करवा चौथ का व्रत रखने वाली सभी स्त्रियों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करते हैं। यह व्रत दिवाली से 9 दिन पहले मनाया जाता है। सुहागिन महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। इस दिन पूरी विधि विधान से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। पूजा के बाद करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। सुहागिन महिलाएं पूरे दिन निर्जल रहकर अपने अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं, अपने सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर पति के हाथ से जल ग्रहण करती हैं। करवा पूजा की थाली में जो सामग्री लगती है वो इस तरह से है: छलनी, मिट्टी का करवा और ढक्कन, करवा चौथ की थाली, दीपक, सिंदूर, फूल, फल, मेवा, रुई की बत्ती, कांच की तीलियाँ, करवा चौथ का कैलेंडर, नमकीन मठरी, मीठी मठरी, मिठाई, रोली, अक्षत, आटे का दिया, धूप, अगरबत्ती, चीनी का करवा, तांबे का या स्टील का लोटा, गंगाजल, चंदन, कुमकुम, कच्चा दूध, दही, देशी घी, शहद और चीनी, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा, दक्षिणा, 16 श्रृंगार की सामग्री की लिस्ट: सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी, मेहंदी, लाल रंग का कपड़ा, चूड़ियाँ, बिछुआ, काजल, नथनी, कान के झुमके, पायल, मांग टीका, कमरबंद, बाजूबंद, अंगूठी और गजरा। इस वर्ष करवा चौथ का व्रत बहुत ही शुभ संयोग लेकर आया है। इस दिन चंद्रमा पत्नी के नक्षत्र में, अपनी पत्नी के नक्षत्र में यानी रोहिणी नक्षत्र में उदय होंगे। यह एक दुर्लभ संयोग होगा जो कि बहुत ही शुभ माना गया है। इस बार करवा चौथ का व्रत 17 अक्टूबर यानी गुरुवार को होगा। पूजा का शुभ समय है सायंकाल 5:46 से 7:02 तक। चंद्रोदय का समय होगा 8:12 तक। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। मिलते हैं फिर अगली किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।